हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो ऑफर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी लोगों के लिए भीम एबीपीबी का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है सपोर्ट किया है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक, क्योंकि दोस्तों आज का ये सेकंड पार्ट बनने वाला है। इसमें मैंने 31,400 रुपये 2 वीक के अंदर इनकम करके दिखाया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत सारे यूज़र का ये कमेंट आ रहा था कि भाई मुझे कैशबैक नहीं मिला और मुझे कैशबैक नहीं मिला, ठीक है ना, उसका भी मैं अभी सल्यूशन बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों का जो है मैं पेमेंट क्लियर नहीं कर पाया हूँ, उनका भी मैं सल्यूशन जो है बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो है कुछ पेटीएम अर्निंग एप्लीकेशन के भी बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के सामने दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलिए दोस्तों, फटाफट से हम कैमरा ओपन कर लेते हैं। कैमरा ओपन करने के बाद हम अपने सेकेंड मोबाइल में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि फ़िलहाल मेरे अभी पेटीएम वॉलेट में कितने रुपये हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। एंड पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद चलिए मैं आपको यहाँ पर पासबुक के सेक्शन में जाके दिखा देता हूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं अभी फिलहाल। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए मेरे पेटीएम वॉलेट में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, उस एप्लीकेशन का नाम है डाटा जीनी। जी हाँ दोस्तों, ये एकमात्र एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टेंट पेमेंट देती है और 5 रुपए पर रेफर देती है। आपको सिंपली करना क्या होगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। वहां पे लिखा होगा जीनी ऐप लिंक, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन करना होगा और उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी। आप दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो एप्लीकेशन कुछ ब्राउजर की तरह हु बहू है। आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों, अगर आपने एमसेंट ब्राउजर को यूज किया होगा तो वो भी एक ब्राउजर एप्लीकेशन है और ये भी एक ब्राउजर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों कल ही मैंने जो है ब्राउजर कर करके जो है इसमें वॉलेट के ऑप्शन में जाके मैं दिखा दूं, 304 रुपये जो है मैंने यहां पे इनकम कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर कर करके, वो भी एक दिन में, ठीक है ना। तो आपको ब्राउजर कैसे करना है, आपके होम ऑप्शन में आना होगा और यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे गूगल का या फिर यूट्यूब का वीडियो देख के जो है आसानी से जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आगे बढ़ा दिएगा, यह सर्च हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है आसानी से जो है मतलब वीडियो वीडियो देख के जो है गूगल की या यूट्यूब की पैसे इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप जितना भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिलहाल मेरे पास 304 रुपये हैं। अब मैं चलिए अब मैं को पेटीएम एप्लीकेशन में मैं ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आप डेली का डेली 100 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 100 रुपये का लिमिट है, ठीक है ना। तो आप आसानी से जो है 20 रुपये करके 5 बार रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम रिडीम जो है 20 रुपये दिया गया है, आपको यहाँ पे 20 रुपये जो है 5 टाइम रिडीम कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल करके आप सभी लोग को दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने अपना पेटीएम नंबर दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम मैं 20 रुपीज़ सिलेक्ट करता हूँ और ट्रांसफ़र टू पेटीएम में हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बोला है क्लोज, तो हम यहाँ पे 4-5 बार टोटल कर लेते हैं। ये दूसरा बार हो गया, ये तीसरा बार हो गया, ये चौथा एंड ये पाँचवा। देखिए तो दोस्तों ये 5वां बार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है डेली लिमिट ओवर। तो चलिए अब हम चलते हैं पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर और हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं आके कि मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 105 रुपये मेरे पेटीएम वॉलेट में हो चुके हैं। अभी मुझे जो है 20 रुपीज़ करके जो है पेटीएम कैश मिला है। आप यहाँ पर अपने फ्रेंड लोगों को रेफ़र करके जो है 5 रुपये पर रेफर ईजिली इनकम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, नाम वाम मांगा जाएगा, फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी आईडी बन जाएगी। इसी तरीके से आप अपने यहाँ पे फ्रेंड को रेफर करके उसी प्रकार से जो आपको रजिस्टर करवाना होगा तो आपको जो है पर रेफर के जो है 5 रुपये दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एबीपीबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एबीपीबी में किस तरीके से रजिस्टर करा जाएगा, किस तरीके से काम कराया जाएगा। उसके बाद मैं आपको 31,400 रुपये का जो है पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा अपने लाइफ मोबाइल में, ठीक है ना। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है, आप सभी लोगों को मैं रियल दिखाने वाला हूँ।
तो सबसे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको भीम ABPB का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। ABPB तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ABPB का लिंक मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन है भीम ABPB, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता देता हूँ कौन सी है। आप यहाँ पे देखिए BHIAM, ठीक है ना, IM भीम, उसके बाद ABPB, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए भीम ABPB एप्लीकेशन ये वाली है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है रजिस्टर करना है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल फटाफट से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एंड ओपन करने के बाद कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको अलाउ में परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद दोस्तों दोबारा से आपको अलाउ कर देना है, तो मैं फटाफट से अलाउ कर लेता हूँ। और जिस नंबर से मोबाइल मतलब रजिस्टर है, यानी कि बैंक अकाउंट जिस नंबर से रजिस्टर है, वो नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मेरे पास दो नंबर में रजिस्टर है, तो मैं दो नंबर में क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर में क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपसे बोला जाएगा कि ये आपका SMS सेंड होगा, तो मैं सेंड में क्लिक कर देता हूं। सेंड में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहां पे जो है बोला जाएगा कि आपका यहां पे जो है SMS सेंड हो चुका है, तो मैं यहां पे फटाफट से SMS को जो है सेंड कर देता। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका मैसेज का जो है 1.5 रुपये काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। तो जो भी आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं सिलेक्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो बैंक अकाउंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट ट्रांजेक्शन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च बार है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे बैक कर जाइएगा। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और भी इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक एड्रेस डालना है, और आपके अकाउंट पे पैसे होने चाहिए जो भी आप अपना बैंक अकाउंट जो है ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्चुअल एड्रेस देता हूँ, उसी वर्चुअल एड्रेस में आपको फर्स्ट पेमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये एड्रेस डालना है, आप यहाँ पे देख लीजिए 7980294968@birla, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब तक यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे इमरान अली नहीं आ जाता तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अमाउंट सेंड करना है 5 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 5 रुपीज़ सेंड करना है। इसके बदले में मैं आप सभी लोग को जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैशबैक मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे सेंड में क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्म टू पे के ऑप्शन में क्लिक करके अपना यहाँ पे जो है जो आपका जो पिन है वो पिन आपको यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ UPI पिन। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैंने UPI पिन दे दिया है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंडिंग हो रहा है। और जैसे ही सेंडिंग हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना है सेंडिंग होने का। सेंडिंग होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंडिंग हो रहा है हल्का हल्का। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जब तक सेंडिंग होता है तब तक आपको बैक जाना है, 3 लाइन में क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन दिखेगा। ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको यहाँ पे रेफरल कोड डालना है, तो रेफरल कोड आपको क्या डालना है, जब ही जाके जो है आपको कैशबैक मिलेगा। तो आपको 7980294968 यहाँ पे 68 देखिए ये रेफर कोड आपको डालना है 7980294968। ट्रांजेक्शन करने से पहले 5 रुपये जैसे अभी मैंने सेंड किया है उसको आपको करने से पहले आपको यहाँ पे रेफर कोड सेट करना है। और सेट करने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। अप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि प्लस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से जो है ट्रांजेक्शन करना है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रांजेक्शन करना सिखाया है, देख पा रहे हैं अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको इसी प्रकार से जो है ट्रांजेक्शन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड प्लस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस दे देना है। तो मैं यहाँ पे देख के फिर से मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वर्चुअल एड्रेस ये वाला देना, ये बात आपको ध्यान में रहे। आपको बिरला देना, उसके बाद 5 रुपीज़ सेंड करना है आपका। जब तक इमरान अली, जैसे मैंने आपको बताया था, इमरान अली जब तक लिखा हुआ नहीं आया था तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने अभी पेमेंट सेंड किया है, आपको दिखाया भी है किस तरीके से पेमेंट सेंड करना है। बट पेमेंट सेंड करने से पहले आपको रेफर कोड डालना बेहद ज़रूरी है। अब ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया, इसका भी आपको कैशबैक मिलेगा। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैशबैक आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ मैं ऑफर के सेक्शन में लेके चलता हूँ, कूपन्स के ऑप्शन में लेके चलता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे ऑफर का पूरा टर्म एंड कंडीशन। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑफर आ चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन में मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आपको फर्स्ट पेमेंट करना है। यानी कि मान लीजिए आपको 5 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक अगर आप फर्स्ट पेमेंट करते हैं तो आपको 15 वर्किंग डेज़ के अंदर, यहाँ पे आप देखिए सैटरडे संडे नहीं जोड़ा जाएगा, 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका मतलब 5 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के अंदर में जो है आपको कैशबैक दिया जाएगा। लेकिन आपको 5 रुपये का पहला ट्रांजेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि रेफ़र करना है, अगर आप रेफ़र कर सकते तो कर सकते हैं। आपको पर 5 रेफ़रल में 100 रुपीज़ दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपीज़ दिया जाएगा, और ये ऑफ़र 31 दिसंबर तक अभी चल रहा है। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूटेंगे आप सभी लोग को प्रॉफिट होने वाला है, समझ गया ना। तो आपको यहाँ पर ऑफ़र मैंने दिखा दिया है, और दोस्तों यहाँ पे ऑफ़र बहुत सारा चलता रहता है। अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए ऑफ़र यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को जो कैशबैक मिला है, किसी को 1000 मिला है, किसी को 100 मिला है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें जो है आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्यार था, तो इसके कारण जो है मुझे मिला है। आपको बस ये ध्यान रहे कि आपको पहला ट्रांजेक्शन करने से पहले रेफ़र कोड डालना बेहद ज़रूरी है। आपको थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेफ़र कोड दे देना होगा, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से जाइए, जाने के बाद दोस्तों आपको इसी तरह से ट्रांजेक्शन करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ का पेमेंट प्रूफ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपने ओरिजिनल फ़ोन में आ चुका हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भीम एबीपी एप्लीकेशन को ओपन करके, और जो आप ट्रांजेक्शन मुझे करेंगे मैं आपको 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है पेमेंट करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है, और एक ही बैंक से जो आप डेली के डेली 10 ट्रांजेक्शन जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैशबैक ऑप्शन में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे 24,000 रुपये का जो है मुझे पहला पेमेंट मिला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिसीव की तरफ से, ठीक है ना, 24,000 मुझे आज के दिन मिला है। उसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना मिला, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब मैं दोबारा से कैशबैक में जाता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए एक बार मुझे जो है 24,000 रुपये मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2,500 रुपये मिला। अब यहाँ पे देखिए 2 डे यहाँ पे 2,500 मिला, उसके बाद 3,000 रुपये मिला है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए 1,400 रुपये मिला है, यानी कि यहाँ पे 31,400 रुपये का आज जो है मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आप पेमेंट प्रूफ देख लिए हैं दोस्तों, आप ही के सामने में पूरा का पूरा पेमेंट प्रूफ है। 2 डे का मतलब क्या होता है, येस्टरडे का मतलब क्या होता है, ये आप सभी लोगों को तो मालूम ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये आज ही का पेमेंट प्रूफ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, आज ही के दिन मुझे जो 31,400 रुपये का पेमेंट रिसीव हुआ। अब दोस्तों मान लीजिए कि मुझे कोई पेमेंट सेंड करता है, तो मैं पेमेंट सेंड करूँगा 20 वर्किंग डेज में। जैसे इन्होंने मुझे पेमेंट सेंड किया, तो देखिए मैंने इनको जो है पेमेंट सेंड कर दिया था, ये दोबारा उनको कैशबैक मिल रहा था। मतलब कि इनको 5 रुपये का कैशबैक, जैसे ये मुझे 5 रुपये पहला पेमेंट किए, इनको जो है 100 रुपये से लेके 1,000 रुपये के बीच में, 5 रुपये से लेके 1,000 रुपये बीच में उनको जो है कुछ कैशबैक मिला है, वो दोबारा से फिर से मुझे जो है पेमेंट सेंड किए। तो आप यहाँ पर एक बार की जगह, मतलब आपको एक बार कैशबैक मिल जाता तो आप दूसरा बार भी यहाँ पर पैसा सेंड कर सकते हैं मेरे ही UPI ID में। तो मैंने अपना UPI ID और रेफर कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये जो है फेक, मतलब कैशबैक वाला ये जो ऑफ़र बता रहा है ये गलत बता रहा है। तो चलिए अब मैं आपको मैसेज दिखा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मैसेज के ऊपर जो है भरोसा करते हैं। तो चलिए अब मैं मैसेज आपको जो है दिखा देता हूं एक बार एक, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, अभी मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3,000 रुपये का मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। और देखिए और भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे 2,500 रुपये, ठीक है ना। तो 1,400 रुपये थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है ना। तो टोटल जो है मेरे अभी अकाउंट बैलेंस देखिए आप 32,042 रुपये,
सॉरी 46 रुपये, आप यहाँ पे देख लिए 32,000 46 रुपये जो है मैंने 2 वीक के अंदर जो है इनकम कर लिया है। तो आप लोग भी इनकम कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी आप मुझे पेमेंट सेंड करेंगे 5 रुपये, वो मैं आपको रिफ़ंड दूंगा। रिफ़ंड 20 वर्किंग डेज़ के अंदर होगा, यानी कि यहाँ पे जो है एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन ही हो पा रहे हैं एक बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों का रिफ़ंड जो है कर दूंगा। तो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, मैंने बहुत सारे लोगों को जो रिफ़ंड किया है, आप लोग का भी रिफ़ंड होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से जाइए, अगर आपने इस ऑफर को लूटा नहीं है तो जाके लूट लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू लूट ऑफर के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।